22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विराजमान होने पर जहां एक तरफ बीजेपी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चारों मठों के शंकराचार्यों ने राजनेताओं द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन कराए जाने का विरोध जताया है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी लेते हुए कहा कि शंकराचार्य कभी भी भगवान के दर्शन के लिए मना ही नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस पार्टी त्रेता युग के राक्षसों की तरह तपस्या भंग करने का काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम ने ऐसे राक्षसों को सजा देकर मृत्यु लोक पहुंचाया है और कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के भव्य आयोजन में विघ्न डालने का काम न करे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। शंकराचार्य कभी भगवान के दर्शन के लिए मनाही नहीं कर सकते, उनके सब अनुयायी दर्शन करेंगे। तिथि तय करना शंकराचार्य का अपना अपने पीठ का उनका पक्ष रहता है, कौन सी तिथि को वो जाएंगे उनका स्वरूप है। निमंत्रण देना राम ट्रस्ट का काम था और जरूरी नहीं कि सब लोग जो निमंत्रण उस दिन मिले उसी दिन सब लोग जाए, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार की बयानबाजी कर रही है तो मुझे अब ऐसा लगता है कि एक कालखंड होता जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उस समय राक्षस शक्तियाँ काम करती थी। आज वही भूमिका कांग्रेस की है और भगवान राम है ना, भगवान राम ने ऐसे जितने राक्षस लोग थे जो ऋषियों के तप को भंग करते थे उनको सजा दी है, उनको मृत्यु लोक तक पहुंचाया। आज कांग्रेस को चेतना चाहिए कि हम भगवान राम के पुण्य कार्य में जो ऋषि मुनि जो समाज भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जो योजना बना रहा है उसमें विघ्न डालने का काम न करें, वरना भगवान राम इनको माफ करने वाले नहीं।